सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बेस्ट लैपटॉप इन 2021 फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। वैसे तो दोस्तों, आपके पास जो लैपटॉप है आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर प्लान कर रहे हैं एक नया लैपटॉप लेने का, या फिर आपके दिमाग में बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप उसको जो है एक स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, फाइनली डिसाइड करना चाहते हैं दोस्तों कि मैं कौन सा लैपटॉप लूं बिकॉज फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो फ्रेंड्स उस चीज के लिए मेरा ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल लगेगा। बाय द वे फ्रेंड्स, अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा देंगे। तो इस वीडियो को मैं और आगे बढ़ाऊं दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि भाई जो सामने वाला इंसान है वो मींस कैपेबल है कि नहीं है तुम्हें बताने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं दोस्तों, हो सकता है कि कुछ छूट भी गए हों, लेकिन मुझे जितने भी याद आ रहे हैं, मैं जो है दोस्तों आपको उन एग्जाम के अनुभव पे आप लोगों को जो है लैपटॉप्स यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मैं कई सारे जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स दे ही चुका हूँ और बाकी कुछ बच भी गए हैं। तो दोस्तों, उन लोगों का लगभग फॉर्मेट जो है दोस्तों सेम ही होता है, 2 घंटे 3 घंटे टाइम में वेरी। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं गेट जो है लगभग 4 बार दे चुका हूँ, रेलवे के जो अब तक के जो भी एग्जाम्स हुए हैं दोस्तों मैं दे चुका हूँ, और एयरपोर्ट के भी, फायर सेफ्टी के भी हुए थे वो भी मैंने दिए थे, और कुछ अदर पोस्ट के लिए वो भी मैंने दिए थे। DFCCIL का स्टेशन मास्टर हुआ, SSCJEE 2017-18, वाइजैग स्टील का तो भाई 3-3 बार हो गया था वो एग्जाम, कोल इंडिया का मैंने एग्जाम दिया है दोस्तों 2017 वाला, MP इलेक्ट्रिक बोर्ड का भी एग्जाम हुआ था, लेकिन उसमें बाद में पता चला कि जिनकी जमीनें गई हैं उन्हीं लोगों के लिए जो था वो एग्जाम स्पेसिफिकली लिया था। नाउ दोस्तों, इसके साथ में मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट कई सारे होते हैं दोस्तों, 20 मिनट के होते हैं, 30 मिनट के होते हैं, 40 मिनट के होते हैं, 1 घंटे के होते हैं, ठीक है, 1.5 आवर्स, 2 घंटे 3 घंटे के भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। डेफिनेटली बात है फ्रेंड्स, अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके प्रैक्टिस में काफी अच्छा से जो है करके जाता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल में आपको बताता हूँ दोस्तों, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ बेस्ट बन के रहना पड़ता है, एंड डेफिनेटली आई वॉज नॉट अमंग बेस्ट, लेकिन फाइनली रेलवे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई और उसमें जो है मेरा काम हो गया। बात करता हूं दोस्तों, इस लैपटॉप को रिकमेंड करते हुए मैं आप लोगों के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि आप जो है एम्बिशियस हैं, राइट। दुनिया में समस्याएं नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, दुनिया में समस्याएं सिर्फ और सिर्फ एम्बिशियस लोगों के लिए हैं। मैं ये मान के समझ रहा हूं दोस्तों कि आप जो है आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है दोस्तों, आपकी जो सिचुएशन है अभी, हो सकता है दोस्तों आप अभी नई अपनी जो प्रेजेंट जॉब है उससे कुछ ना हो, आपको जो है नई जॉब में जाना है, आप में को कहीं MBA कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, उसके एंट्रेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है दोस्तों, राइट। नाउ ये वीडियो जो मैंने बनाया है दोस्तों, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सिर्फ लैपटॉप जो है आप लोग अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ही खरीद रहे हैं, उसके अलावा किसी चीज के लिए, मींस आप यही सोचिए दोस्तों, अगर आप कुछ और भी चीजें इंक्लूड करेंगे आप सोचेंगे कि भाई 8 GB रैम होनी चाहिए, इतना टेराबाइट ऑफ स्टोरेज भी होना चाहिए, तो इस चीज की कोई अंत नहीं है दोस्तों। और अगर ये मान के चल रहे हैं कि मेरा लैपटॉप जो है मुझे नौकरी में भी काम देगा, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि जॉब वॉब आप कुछ भी करें, वहां पे कंपनीज जो है आप लोगों को उनके हिसाब से हार्डवेयर देती है, आपको 1 रुपया भी हार्डवेयर पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बात करता हूँ दोस्तों मैं क्या क्या टास्क जो है अपनी तैयारी के वक्त एक लैपटॉप में करता था। देखिए दोस्तों, मॉक होता है, मॉक के बाद देखना भी पड़ता है कि भाई कितने मार्क्स आए, उसके बाद ये भी देखना पड़ता है कि कितने जो है दोस्तों गलत आंसर जो है अपने निकले, फिर उसको जो है एक जगह नोट कर लिया कि कौन से टॉपिक से है टॉपिक वाइज। तो टोटल आप मान के सकते हैं दोस्तों कि अगर मान के चलिए 100 मिनट का पेपर है, तो लगभग मेरे को 100 मिनट के बाद में लगभग 30 मिनट उसको और लगेंगे उसके जो है करेक्शन करने में, उसको लिखने में, राइट। पेपर आसान हुआ तो बात अलग है, लेकिन एवरेज भी 1.3 टाइम्स आप लोग समझ सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मैं कई सारी PDFs को डाउनलोड करता था इंटरनेट से, थोड़े थोड़े टॉपिक में एक्स्ट्रा जो है मैं ऐड करता था, फिर उससे जो है मैं पढ़ता था दोस्तों, फिर उसके जो है नोट्स बनाना, क्योंकि डेफिनेटली बात है दोस्तों आखिरी में आपको जो है उसको रिवाइज भी करना है, तो इसके लिए मैं नोट्स भी बनाता था। उसके साथ में दोस्तों रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होते हैं वैसे तो वो डाउनलोड ही हो जाते हैं, पर वो भी देखने के काम आता था ना। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बाद दोस्तों मैं आगे आपको एक और बताऊंगा, और फॉर्म फिलिंग डेफिनेटली इसी बात है दोस्तों, इतने सारे जो है मैं फॉर्म भर रहा हूं, तो इनकी फॉर्म फिलिंग के लिए जो है ये डेफिनेटली मुझे काम आते थे। फॉर्म फिलिंग में दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि क्रोम जो है मैं यूज करता था, तो ऑटो टाइपिंग उसमें होती है, तो उससे काफी ज्यादा धड़ाधड़ जो है दोस्तों फॉर्म भरा जाते हैं आपके, और ज्यादा कुछ आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। नाउ व्हाट डजंट मैटर, आप लैपटॉप लेने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बाहर जा रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी होंगी दोस्तों जो कि मैटर बिल्कुल नहीं करती है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेटिव के पर्पस से ले रहे हो। नाउ स्क्रीन की रेजोल्यूशन मैटर नहीं करती, ना ही कलर एक्यूरेसी मैटर करती। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 720p वाला लैपटॉप भी अपने बजट के
अनुसार और अपनी नीड के अनुसार मिल रहा है, जो कि मैं आपको और आगे बताऊंगा, तो सफिशियंट है। बाजार में दोस्तों मैं बताता हूं, आज पहले की बात अलग थी, लेकिन आजकल जो सबसे घटिया से घटिया डिस्प्ले भी है वो भी 720p की 45% NTSC कलर गैमट के साथ में आपको देखने को मिलती है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर अटेम्पिंग दी मॉक टेस्ट। उसके बाद आता है दोस्तों वेट। जी हाँ दोस्तों, वेट की बहुत लोग बोलेंगे कि हल्का होना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है दोस्तों। तैयारी के वक्त यूजुअली आपका जो लैपटॉप है फ्रेंड्स, वो एक ही जगह पर रहता है, ठीक है। आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, दिल्ली वैली कहीं कोचिंग वोचिंग जा रहे हैं, आपने रूम में एक जगह लैपटॉप को जो है स्थापित कर दिया, वैसा कुछ टाइप का सिस्टम रहता है दोस्तों। लैपटॉप एक जगह पर रखा है तो उसके वजन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नाउ नमपैड की बहुत लोग बात करते हैं दोस्तों कि लैपटॉप में नमपैड होना चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली खुद ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मेरे लैपटॉप में था दोस्तों नमपैड, लेकिन कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं कि वो होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिकॉज आजकल आप फॉर्म भी भरते हैं तो दोस्तों उसमें जो है सिलेक्शन का वो आ जाता है पूरा, तो आपको टाइप वाइप भी करना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ स्क्रॉल करते रहना पड़ता है, और इन केस इफ यू नीड नंबर्स टू टाइप, वो जो है आपके कीबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं। नाउ बात करते हैं दोस्तों यूएसबी पोर्ट की, तो जरूरी नहीं है कि 3 USB पोर्ट हो, 2 USB भी एब्सोल्युटली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक आप जो क्या करोगे उसमें एक यूएसबी कुछ एक पेन ड्राइव लगाओगे या फिर एक जो है माउस कनेक्ट करोगे, उसके लिए 2 USB फाइन है। मेटालिक हो या प्लास्टिक हो जरूरी है, कुछ भी मतलब जरूरी नहीं है कि मेटालिक ही हो, प्लास्टिक भी चलेगा। नाउ साइज डजंट मैटर, 14 इंच, 15 इंच, 13 इंच कुछ मैटर नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। आपको तैयारी करनी है, आपको मॉक देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट बनाना है। आर यू गेटिंग इट? आपको एनवायरमेंट बनाना है और उस एनवायरमेंट में डूब जाना है, तो उस कश्ती में डिपेंड नहीं करता है कि लैपटॉप का साइज 14 इंच हो, 15 इंच हो या फिर 13 इंच हो। फिर उसके बाद दोस्तों टाइपिंग एक्सपीरियंस, तो मैं बताता हूं दोस्तों कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि टाइपिंग एक्सपीरियंस कौन आप टाइप कर रहे हो बहुत ज्यादा आप अपने कीबोर्ड पे, कोई जरूरत नहीं, आप तैयारी कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। और ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं ना दोस्तों, तो उसमें आपको जो है टच वाले बटन मींस ऑन स्क्रीन ही कीबोर्ड देखने को कभी कभी मिल जाता है, आजकल सब एग्जाम के फॉर्मेट में ऐसे ही रहता है, तो टाइपिंग कीबोर्ड की ऐसी कोई जरूरी नहीं है। फिर एक और चीज इसमें मैं ऐड करना भूल गया, बैकलाइट जरूरी है क्या? कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट है तो आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर लाइट वाइट की तो व्यवस्था रहती रहती है, राइट? आपने उसी चीज का भाड़ा दिया है ना, आप कहीं पर भाड़े से भी रह रहे हो तो आप उसी चीज के पैसे दे रहे हो ना कि भाई बिजली तो रहनी चाहिए ही चाहिए, तो उसे जरूरी नहीं है कि जो है बैकलाइट कीबोर्ड हो, ऐसा कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं फिंगरप्रिंट की भी, उसकी भी जो है दोस्तों कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। नाउ कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है दोस्तों जो कि होना ही चाहिए। नाउ लैपटॉप है, लैपटॉप के साइड में एक सस्ता सा ब्लूटूथ वाला माउस बिल्कुल खरीद के रख लीजिए दोस्तों, काफी ज्यादा इससे आसानी जो है दोस्तों होती है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स लोग कभी कभार अपना लैपटॉप मतलब पलंग पे पड़ा है, गद्दे पे पड़ा हुआ है, तो जो वायर्ड वाला माउस रहता है ना दोस्तों, उसकी जो वायर रहती है कभी कभी खिंचा जाती है, और मींस पूरा लैपटॉप भी उस चीज से खिंचा जाता है, तो उस चीज से बचिए, वायर वाले माउस से एक अच्छा सा ब्लूटूथ वाला माउस आप लोग ले लीजिए। उसके बाद बात करता हूं दोस्तों, ये जो है सबसे पूरे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला है, सिर्फ और सिर्फ SSD वाला वेरियंट लो या फिर SSD प्लस उसमें हार्ड डिस्क को वही वाला वेरिएंट लो। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कभी भी भूल कर भी कभी भी आप जो है हार्ड डिस्क वाला वेरिएंट ना ले। देखिए दोस्तों, आप जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आजकल जो है अच्छा खासा टाइम लग जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालने में, फर्स्ट टाइम में भी लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन हकीकत ये भी है दोस्तों की 2-3 साल भी कभी कभी लग जाते हैं, तो भाई हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप में आपको बताता हूं दोस्तों, धीरे धीरे करके जो है हैंग होना चालू हो जाते हैं, काफी धीरे धीरे खुलते हैं, जैसे जैसे आपका लैपटॉप पुराना होगा हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप काफी बूट टाइम उनका ज्यादा बढ़ते जाएगा, और क्रोम जो है दोस्तों कभी कभी क्रैश मतलब होने लगता है, एक क्रोम खोला आपने 2-3 क्रोम के टैब और खुल गए, तो ऐसे भी चीज होता है। SSD वाला वेरिएंट हो सके तो कोशिश कीजिए सिर्फ और सिर्फ SSD वाला वेरिएंट ले। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, बैटरी लाइफ तो चलो ठीक है, आप अगर रूम में बैठ के तैयारी करेंगे तो आप तो हमेशा जो लैपटॉप है आपका पावर पोर्ट से जो है कनेक्ट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होता है दोस्तों हार्ड डिस्क से जो है बैटरी डीके बहुत जल्दी होता है, राइट? आपके लैपटॉप की बैटरी जो है बहुत जल्दी खराब होना चालू होती है जब हार्ड डिस्क की मैं बात करता हूं, वेरस SSD में ऐसा नहीं है। एक तो इसका पावर कंजप्शन भी कम रहता है और ऊपर से बैटरी डीके भी बहुत जो है दोस्तों कम इससे होता है। बात करता हूं दोस्तों पावर कंजप्शन की, तो SSD बहुत ही कम बैटरी खाता है, वेरस हार्ड डिस्क जो है दोस्तों काफी अच्छी खासी बैटरी जो है खा जाता है, तो ये चीजें लॉन्ग टर्म में मैटर करती हैं, ठीक है। आपने 1 साल लिया, 2 साल आप तैयारी कर रहे हैं, पता चला 1 साल में हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप हैंग होना चालू हो गया, आपके ऊपर वैसे ही बहुत सारा टेंशन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, कौन सा ये सब हैंडल करते मत फिरना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, नेवर गो फॉर टोटली हार्ड डिस्क, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन रखिए दोस्तों। देखिए इंटरनेट कनेक्शन अगर अच्छा होगा तो हो सकता है कि आप जो है दोस्तों मतलब कुछ और भी चीजें उसमें करना लग जाए, लेकिन जरूरी है दोस्तों कि अच्छा इंटरनेट रिलायबल कनेक्शन आप लोग अपने पास रखिए, वाईफाई कनेक्शन, क्योंकि आप फोन से हॉटस्पॉट बनाते हैं दोस्तों, तो पीछे जो है बैकग्राउंड में विंडोज जो है आपका पूरा खाते रहता है दोस्तों इंटरनेट, ठीक है, और आप अपडेट्स अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ टाइम के बाद में वो आपका लैपटॉप अपडेट होगा ही होगा, और आपने पता चला आप टेस्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट और पीछे से अपडेट किया आपके लैपटॉप को, और फिर आपका जो पूरा जो डेटा है वही खत्म हो गया। माइक्रो एसडी कार्ड डिपेंड्स करता है दोस्तों, आपको अगर चाहिए तो ठीक, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लैंड पोर्ट की भी कोई दिक्कत नहीं है आज के टाइम पे, राइट? 4-5 साल पहले जब वाईफाई का पेनिट्रेशन उतना नहीं था दोस्तों, लेकिन आजकल वाईफाई भी जो है काफी अच्छा फीचर लोग पसंद करते हैं, तो वाईफाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। 256 GB का जो मेमोरी कार्ड है, सॉरी जो स्टोरेज है दोस्तों, वो सफिशियंट है, उससे ज्यादा आप लोगों को जो है कुछ करने की जरूरत
नहीं है, ठीक है, 256 GB is sufficient, उससे ज्यादा आप लीजिए मत अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। प्री इंस्टॉल्ड वीडियोस, जी हाँ दोस्तों, डॉस वाला वीडियो, डॉस वाला जो लैपटॉप है फ्रेंड्स, वो हो सके तो अवॉइड करो दोस्तों, ठीक है, कि अगर दुकानदार डाल के दे रहा है आपको विंडोज तो बात अलग है, लेकिन डॉस वाला जो है एज यूजुअली अवॉइड ही करो, क्योंकि दोस्तों देखिए विंडोज है, फुल फ्लेश आपकी इंस्टॉल रहेगी, सर्टिफाइड रहेगी, तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, वो धीरे धीरे अपडेट होती रहती है, तो लेकिन डॉस वाले में आपके पास वैसे ही टेंशन है कॉम्पिटेटिव का, कहां फिर उसमें विंडोज डालते फिरोगे, फिर वो कभी उसमें प्रॉब्लम आती रहती है, सो बेटर गो कि विंडोज 10 जो हो दोस्तों लाइसेंस वर्जन पहले से लैप करता हूं दोस्तों। लैपटॉप्स की तो दोस्तों कुल मिला के मैंने जो है 8 लैपटॉप आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिए हैं, वहां पे जाके जो है इन्हें आप जरूर चेकआउट कीजिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन लोगों की लिंक दे दी है, आप वहां पे जाके जो है उन्हें जरूर खरीद सकते हैं। थैंक यू, हैव अ